So now students, let me show you the same file जो हमने अभी स्प्रिंट प्लानिंग में हमने देखी थी कि हमने ये देखा था कि कौन से टास्क एक स्प्रिंट में प्लान थे. हर स्प्रिंट के साथ हमने उसकी स्टोरी पॉइंट्स भी देखे थे, कौन सा डेवलपर उसको कर रहा है वो भी देखे थे. अब मैं उसी फाइल का आपको एक अपडेटेड स्नैपशॉट दिखाता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि वेलोसिटी हमें कैसे हेल्प आउट करती है एग्जिस्टिंग स्प्रिंट की एनालिसिस में एंड जो आगे स्प्रिंट्स प्लान करनी है उसके अंदर हमें ये कैसे हेल्प आउट करती है. तो लेट मी शो यू द सेम फाइल विद एन अपडेटेड वर्जन ऑफ द डेटा. सो नाउ स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, ये वही फाइल है जिसकी रिलीज नंबर 3.81 है, स्प्रिंट नंबर भी वही है, स्टार्ट डेट स्प्रिंट की और एंड डेट भी लिखी हुई है. अब हमारी जो प्लान्ड स्टोरी पॉइंट थी वो थी 30, मतलब अब आप ये समझें कि 6 जुलाई आ गया हुआ है, यानी स्प्रिंट खत्म हो गई हुई है. नाउ वी नो कि कौन से टास्क खत्म हुए हैं और कौन से अभी इन प्रोग्रेस हैं और कौन से अभी पेंडिंग में है. वो कहाँ से पता लगना है, वो ये स्टेटस से. जिस टास्क के साथ या जिस स्टेटस में लिखा हो डन, इसका मतलब है ये टास्क कंप्लीट हो गया स्प्रिंट में. जिसमें अभी भी WIP लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये टास्क इस स्प्रिंट में खत्म नहीं हुआ. और जो पेंडिंग है ये सबसे अलार्मिंग है, इसका मतलब ये है कि ये टास्क अभी शुरू ही नहीं हुआ. तो अगर मैं इस स्प्रिंट को समराइज करूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस, हमने 10 स्टोरी पॉइंट का टास्क कंप्लीट किया, 7 स्टोरी पॉइंट का किया तो 10 + 7 = 17, और एक हमने स्टोरी पॉइंट कंप्लीट किया 6. तो समझाने के लिए प्लान्ड स्टोरी पॉइंट थे 30, कंप्लीटेड टास्क हैं उनका जो स्टोरी पॉइंट है वो है 23, 10 + 7 + 6. अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी सिंपल ये है कि आपने कंप्लीटेड टास्क की जो स्टोरी पॉइंट थी उसको डिवाइड कर दें जितनी भी आपने प्लान की हुई थी, दैट इज अराउंड 76%, यानी 0.70. अब ऑब्वियसली 1 नहीं है ये, क्योंकि आपका जो प्लान काम था वो ज्यादा है और जो कंप्लीटेड टास्क है वो कम है, और यूजली ऐसे ही होता है. अब यहां पे आपको एक ही आइडिया हो जाएगा कि जब आप नेक्स्ट स्प्रिंट प्लान करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि आप अराउंड 76% काम, यानी 76% जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी टीम अचीव कर सकती है, या वेलोसिटी आपकी टीम की अराउंड 76% है. अगर मैं यहां टास्क को एनालाइज करूं तो यू विल फाइंड आउट कि जो टास्क जरा वैसे थे जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, मतलब जिनके स्टोरी पॉइंट्स ज्यादा है, लाइक फॉर एग्जांपल 10 वो खत्म हो गया, 7 वाला भी खत्म हो गया, 6 वाला भी खत्म हुआ, लेकिन 4 वाला और 3 वाले टास्क अभी खत्म नहीं हुए. तो दिस शोज के टीम ने, यानी आपको अगर मैं ओवरऑल बिहेवियर बताऊं इस स्प्रिंट का, वो ये बनता है कि टीम ने जो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाले टास्क थे वो पहले कर लिए और जो लेस कॉम्प्लेक्सिटी वाले थे वो उन्होंने अभी या इन प्रोग्रेस है अभी या उनको भी स्टार्ट ही नहीं किया. तो दैट इज हाउ वी एनालाइज अ पर्टिकुलर स्प्रिंट. तो नेक्स्ट स्प्रिंट जब आप प्लान करेंगे तो ये नंबर आपके लिए बड़ा ही क्रिटिकल होगा जो ये वेलोसिटी वाला है. इसलिए आपको ये टीम की प्रोग्रेस बता रहा है कि टीम कितना को काम डिलीवर कर सकती है 100 में से. अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज रिलेटिवली नॉट अ बैड वेलोसिटी, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट एट एनी टाइम. दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल.